मंगलवार को नगर पालिका कोशीकला के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने लेखा करके योगेंद्र शर्मा जी, विशाल चौहान सहित अन्य कर्मचारियों के साथ पालिका परिषद में बने स्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने रैन बसेरे के अंदर आने वाले यात्रियों के लिए बिजली, पानी, सफाई, कंबल की पर्याप्त इंतजाम किए जाने को लेकर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारियों ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर के शासन के आदेशों का भली भांति पालन किया जा रहा, जिसके लिए नगर के प्रमुख 10 चौराहों को ईंधन जलाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिससे रात्रि के समय चौराहों पर बैठने वाले लोगों को सर्दी से बच सके। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने कान्हा गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गौशाला में मौजूद कर्मचारियों से सर्दी के मौसम में गायों की व्यवस्थित तरीके से देखभाल करने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरा और कान्हा गौशाला के निरीक्षण किए जाने को लेकर के अधिशासी अधिकारी निहाल और लेखाकार योगेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। कहेंगे सर, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और क्या कुछ रैन बसेरा की मतलब व्यवस्था की गई है? शासन के निर्देश हैं, सर्दियों में चूँकि यात्रियों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो ये 70 बेड का ये नगर पालिका में शेल्टर रूम बना हुआ है। आज मेरे द्वारा और हमारे लेखाकार योगेंद्र शर्मा जी के द्वारा और हमारे और अन्य स्टाफ के लोग हैं, इसका निरीक्षण किया गया है। सारी व्यवस्थाएँ इसमें बेड है, चादर है, पानी पीने की व्यवस्था है, सफाई है, सारी चीज़ें चेक की गई हैं, सभी चीज़ें ठीक मिली हैं और अलाव की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। आज से अलाव जलना भी शुरू हो जाएगा और जो भी आवश्यक निर्देश हैं स्टाफ को दे दिए गए हैं, किसी चीज़ की कहीं कोई ज़रूरत हो वो बताएंगे। किसी तरह की यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी, किसी तरह की अगर समस्या होती है तो वो नगर पालिका से या नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये हमारी अस्थायी कान्हा गौशाला है, इसका भी निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है। सभी पशु इसमें आराम से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं और भूसा, चारा, पानी सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है, इनके लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत है तो वो सीधे मुझसे या हमारे और अन्य अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और कहीं कोई समस्या है तो वो सीधे जो है पालिका को जो सूचना देकर वो अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।